देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रास्ता है और केवल हेड़ाखान तक नहीं, इसके आगे उखलकांडा, बहुत से लोग इनफैक्ट इसको चंपावत जाने के लिए भी यूज़ करते हैं और टीठा साहब भी जाना है तो भी इसको यूज़ करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट रोड है। इसमें अभी स्लाइड को आए हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है और 280 मीटर के पैच में एक तरह से बैठ रही है ज़मीन। अभी इसमें दो पहलू पर काम चल रहा है। पहला तो ये कि जो ज़मीन बैठ रही है इसको प्रोटेक्ट करना बहुत आवश्यक है कि ये फर्दर ना बहे, तो इसके लिए PWD ने 25 लाख रुपए एक प्राइमरी स्टडी के लिए THDC को दिए थे, जो उनको मिल गए हैं। वो अपनी रीडिंग्स यहाँ से ले चुके हैं और अपनी कार्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद इवेंचुअली इसमें कितनी लागत आएगी इसको प्रपोज करेंगे वर्ल्ड बैंक में या अन्य जगहों पे, और डिज़ास्टर मिटिगेशन में भी प्रपोज कर सकते हैं। और दूसरे एस्पेक्ट पर जो काम चल रहा है, क्योंकि वर्तमान अलाइनमेंट अनसेफ हो गया है, तो एक दूसरा अलाइनमेंट इसका प्रपोज हुआ है, जो कि फॉरेस्ट लैंड से गुजरते हुए 2 किलोमीटर अंदर, किलोमीटर 5 जो इस सड़क का था वहाँ पे मिलेगा। और उसमें जो फॉरेस्ट केस की कार्रवाई है वो लगभग पूरी हो गई है। इसके लिए 3 हेक्टेयर क्षतिपूरा के वृक्षारोपण के लिए ज़मीन की आवश्यकता थी, जो बेतालघाट में दे दी गई है, और उसको ऑनलाइन करके पास करवा देंगे। उसके बाद PWD अपने एस्टिमेट्स बना देगी। मीनवाइल यहाँ पे दो जो हैं मशीन्स PWD की ओर से यहाँ पे लगी हुई हैं, जो फुल टाइम रहती हैं, जिसके ड्राइवर भी काठगोदाम में रहते हैं, ताकि बरसात के दौरान जब भी स्लाइड आए तो इसको हम हटाते रखें और जो यातायात को है वो सुचारू रखें।